ऑनलाइन और डिजिटल पेमेंट ने हमारा काम आसान तो कर दिया है, लेकिन साथ ही साइबर क्राइम में भी इजाफा हो गया है। देश भर में जालसाजों का एक खास गिरोह सक्रिय है, जो लोगों के साथ फरेब करने के नए नए तरीके इजाद करता रहता है। ये जालसाज कभी बैंक अधिकारी बनकर, कभी फरेबी कॉल या फिर किसी ऐप के जरिए बड़ी संख्या में लोगों को चूना लगा रहे हैं। साइबर फ्रॉड एक ऐसा अपराध है जहां आपको अपनी गलती का एहसास भी नहीं हो पाएगा और आपकी एक गलती खून पसीने की कमाई को एक क्लिक में आपका अकाउंट साफ कर देगी। अगर आप साइबर फ्रॉड का शिकार नहीं होना चाहते तो आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। पेटीएम के माध्यम से आजकल अलग अलग किस्म का फ्रॉड चल रहा है। धोखाधड़ी करने वाले पेटीएम की केवाईसी करने के नाम पर पेटीएम ग्राहक को कॉल करके उनका अकाउंट तक खाली कर लेते हैं। अगर आप भी डिजिटल पेमेंट करने के लिए मोबाइल वॉलेट पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये सावधानी बरतनी होगी। कैसे होता है फ्रॉड? अकाउंट में पैसे डालने का देते हैं लालच। कथित रूप से आपके पास पेटीएम से आती है फेक कॉल। कॉल करने वाला व्यक्ति चेतावनी देता है कि अगर आपने केवाईसी संबंधी औपचारिकता पूरी नहीं की तो फिर आप पेटीएम वॉलेट नहीं यूज कर पाएंगे। आपको भरोसे में लेने के बाद कॉल करने वाला शख्स मैसेज के जरिए एक लिंक भेजता है। इस लिंक पर क्लिक करते ही आपका पेटीएम खुलता है और कार्ड की डिटेल्स मांगी जाती है, जिसे केवाईसी कोड कहा जाता है। फ्रॉड करने वाला शख्स आपसे केवाईसी कोड यानी कार्ड के 4 नंबर की जानकारी मांगता है, जिसकी जानकारी मिलते ही आपका अकाउंट खाली हो जाता है। धोखेबाज अक्सर UPI पिन या WhatsApp के QR कोड शेयर करने का भी दबाव बनाते हैं। कैसे बचें इस फ्रॉड से? पेटीएम केवाईसी के लिए पेटीएम की तरफ से किसी व्यक्ति को आपके पास भेजा जाता है, जो आपके दस्तावेज लेकर आपके सामने ही केवाईसी करेगा। आप किसी अधिकृत स्टोर पर जाकर केवाईसी कर सकते हैं। आपके पास कस्टमर केयर की तरफ से कोई कॉल नहीं आती और ना ही कॉल पर केवाईसी की जाती है। किसी भी कंपनी के कस्टमर केयर से कॉल आने पर उसे पहले वेरीफाई करें। कोई भी मैसेज आने पर सेंडर का पता कर लें। डेबिट क्रेडिट कार्ड से जुड़े किसी तरह के नंबर और पिन बिल्कुल शेयर ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।